हेलो एवरी वन दिस इज विशाल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर पार्ट सेवन श्रुति बुक रीडिंग एंड एक्सप्लानसन सो गाइज आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो श्रुति का बुक का रीडिंग और एक्सप्लानशन कर रहे हैं तो उसका पार्ट सेवन करेंगे कम्युनिकेशन पोर्सन पोर्सन को आज हम लोग कवर करेंगे सो so गाइज आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपके बैचमेट जूनियर सीनियर एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रिपेशन कर रहे होंगे लाइक जे आर एफ एस आर एफ नेट तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कम्युनिकेशन डेफिनेशन द टर्म कम्युनिकेशन ड्राइव फ्रॉम तो कम्युनिकेशन जो टर्म था वो लैटिन वर्ड से लिया गया फर्स्ट ऑफ लैटिन वर्ड से लिया गया देन टर्म था कम्युनिस्ट जिसका मीनिंग होता है कॉमन सेकेंड पॉइंट कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम ए सोर्स टू रिसीवर दिस डेफिनेशन गिवन माई तो रोजर्स और सुमेकर 1971 में ये डेफिनेशन दी थी कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर सबसे सिंपल जो डेफिनेशन ये है नेक्स्ट वन डेन बेंस और हाकिन ने कौन सी डेफिनेशन दी थी इनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू चैनल विच एस्टेब्लिश कॉमन मीनिंग बिटवीन ए सोर्स एंड रिसीवर अकॉर्डिंग टू वन डेन बेन एंड हॉकिंस नाइनटीन एटी एट तो वन डेन बेन और हॉकिंस ने क्या बोला कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें सेंड और रिसीव किया जाता है मैसेज प्रॉपर चैनल के थ्रू और जो कि इस्टेब्लिश करता कॉमनलिटी लाता है बिटवीन टू पीपुल के बीच में आर टू आर मोर दैन टू पीपुल देन लीगन की डिफिनेशन देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन एट द प्रोसेस बाई बिच टू आर मोर पीपुलेंज आइडियाज फैक्ट्स फीलिंग और इम्प्रेशन इन वे ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग इंटेंट एंड यूज ऑफ मैसेज अकॉर्डिंग टू लीगंस ने क्या बोला क्या था? कि उन्होंने क्या बोला कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक लोग आइडिया का फैक्ट का फीलिंग का इम्प्रेशन का एक्सचेंज करते हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाते हैं उनकी जो भी मैसेज मैसेज को ट्रांसफर करके मैसेज का यूज करके कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाते हैं देन ब्रोकर ने क्या बोला कम्युनिकेशन इज एनी थिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट कैरीज इज ए मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो ब्रोकर ने बोला कम्युनिकेशन एनी थिंग कन्वे मतलब किसी कुछ भी कन्वे करना मीनिंगफुल हो और मैसेज वन पर्सन टू अदर पर्सन पे तो ये ब्रोकर ने बोला एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा था कि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट बेसिक एंड अर्लीस्ट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग

तो बेसिक फंक्शन कौन से कम्युनिकेशन के पहला हमारा हो गया इनफॉर्मल फंक्शन इंफॉर्मेशन फंक्शन हो गया जिसमें अपील टू माइंड इंटरलेट करते हैं मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचाना वो होता है इंफॉर्मेशन फंक्शन देन कमांड आर इंस्ट्रक्टिव फंक्शन कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन करना हायर जो करता है हायर एम्प्लॉय होता है जूनियर को अपने जो करता है तो उसे बोलता है कमांड आर इंस्ट्रक्टिव फंक्शन देन इन्फ्लुएंस आर परसुपिंग फंक्शन क्या होता है अपील टू सोल मतलब इमोशनल होता है कि आप किसी को उसकी मतलब जो इमोशनल है उसको आप अटैच कर लें या उसको प्रभावित कर लें खुद की पर्सनालिटी से है तो उसे परसिव बोला जाता है देन इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या होता है कि ओवरऑल सबको इंटीग्रेट कर देना ये होता है इंटीग्रेटिव फंक्शन बर्लो बर्लो ब्यूज कम्युनिकेशन एज द डायनेमिक ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ इनके अकॉर्डिंग बर्लो ने क्या बोला था कि कम्युनिकेशन एक डायनेमिक ऑन गोइंग एवरे एवर चेंजिंग एक्टिविटीज़ है आर्ट की देन सबसे इसमें पूछा जाता है कि सबसे मोस्ट बेसिक फंक्शन फंक्शन क्या है मोस्ट परसेसिव फंक्शन होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इसमें कौन सा है तो वो इन्फ्लुएंस और परसेसिव फंक्शन होता है 2020 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है इसको हम लोग देखते हैं देन पहला क्या है कि इंफॉर्मेशन अपील टू माइंड मतलब इन्फॉर्मेशन माइंड को देना सेकेंड क्या है परसुएसिव सेकेंड हमारा फंक्शन है परसुएसिव अपील टू सोल और इमोशन देन एंटरटेनमेंट करना तो ये तीन मेजर पर्पज है कम्युनिकेशन के इंटेलेक्चुअल हो गया इमोशनल ये भी हमारे फंक्शन है देन मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू बर्लो ये एग्जाम में पूछा गया है देन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग है तो लिसनिंग को ही आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है देन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो थायर ने 1968 में लेवल्स दिए थे कम्युनिकेशन के ये पूछा जाता है कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया था तो थायर ने 1968 में दिया था पहला कौन सा लेवल है हमारा इंटर पर्सनल हो गया लेवल देन इंट्रा पर्सनल हो गया देन इंटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया देन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो इंट्रा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है इंट्रापर्सनल क्या होता है कि हम खुद से ही मैसेज को खुद को कन्वे करते हैं वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है और इंटर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट का डिपार्टमेंट उनके भी जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो इंटर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है देन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन सेम ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज का जो ट्रांसफर होता है उसे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है एक एग्जांपल है एग्जाम में पूछा जाता है जैसे हमारा रीडिंग न्यूज पेपर इज एग्जाम्पल तो ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है मतलब खुद को हम इंफॉर्मेशन गेन करने खुद खुद से ही नेक्स्ट पॉइंट कांस्टेंट फीडबैक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर रिसीव्ड इन तो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन है थ्री फेजेज तो कम्युनिकेशन के थ्री फेज होते हैं पहला एक्सप्रेशन होता है देन इंटरप्रिटेशन होता है देन रिस्पॉन्स होता है नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन इफिशियंसी इंक्लूड तो कम्युनिकेशन की इफिशेंसी किस पे डिपेंड करती है पहला कंप्रिहेंसन पे डिपेंड करती है सेकंड वैलिडिटी पे डिपेंड करती है थर्ड यूटिलिटी पे डिपेंड करती है देन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो पहला फर्स्ट परसुएसिव कम्युनिकेशन मॉडल बोला जाता है उसे किसे बोला जाता है हमारा अरिस्टोटल ने दिया था इसको इसको परसुएसन प्राइम गोल इसका होता है और इसी को रिहटे रिहिटोरिक कम्युनिकेशन भी ये बोलता है और ये प्रोसेस ओरिएंटेड है और इसी को ही फर्स्ट स्टेप टू वर्ड रखा गया कम्युनिकेशन थ्योरी कितने रिटोरिक था देन सेकंड देखते हैं हम लोग देन अरिस्टोटल मॉडल इंक्लूड तो पहला परसलोसिव कम्युनिकेशन मॉडल अरिस्टोटल ने दिया वो कितने एलिमेंट को इंक्लूड करता है उसको थ्री करता है एक स्पीकर को करता है देन स्पीच को करता है देन ऑडियंस को करता है देन हु सेज वाट वाट इन एच वाट इन विथ चैनल टू होम वाट सर्कम एक्सटेंशन वाट इफेक्ट लेसवेल ने बोला था 1948 में लेसवेल का रूडिमेंट्री मॉडल इन्होंने दे दिया था पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोपोगंडा पर लेसवेल ने मॉडल दिया था अभी नेट में पूछा गया था कि रूडिमेंट्री मॉडल कम्युनिकेशन किसने दिया था वो लेसवेल ने दिया था नेक्स्ट सेनन बेवर का मॉडल है एस टी एस आर डी नाइनटीन फोर्टी नाइन में सेनन बेवर ने दिया था उसमें सोर्स है ट्रांसमीटर है सिग्नल है रिसीवर है डेस्टिनेशन है इसमें वन वे कम्युनिकेशन मॉडल इसको बोला जाता है और ये मैथमेटिकल थ्योरी पे बेस पे है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में देन ट्रांफॉर्मेशन थ्योरी है डिब्ल नाइनटीन फोर्टी में हुआ था बेस्ट सूटेड टू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फार्म फिर फार्म इन्फॉर्मेशन तो फार्म इंफॉमेसन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए बेस्ट मैथड अगर कम्युनिकेशन मॉडल है तो वो सैन एंड बेबर का है इसमें जो नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है थ्री लेवल ऑफ प्रॉब्लम इसमें तीन लेवल की प्रॉब्लम आती है पहला टेक्निकल आती है दूसरा तो सीमेंटिक आती है थर्ड हमारा इन्फ्लुनटियल आती है नेक्स्ट स्टिमुलस मॉडल तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल जो निकॉम ने दिया था 1958 में देन बेलो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तो बेर्लो मॉडल यस सोर्स इनकोडर मैसेज चैनल डिकोडर रिसीवर 1960 में दिया था

इंग्रीडिएंट है इन्होंने यहाँ पे गलत रखा है आप अगर एसंदूर की बुक पढ़ेंगे तो सिक्स इंग्रीडिएंट हैं और फोर इनके एलिमेंट है एस एम सी आर नेक्स्ट हम देखते हैं देन शर्मा मॉडल 1961 में दिस इज अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विद एम्फेसिस ऑन द कम्युनिकेटर तो लीनियर मॉडल भी बोला जाता है बेल को शर्मा मॉडल का देखते हैं इसमें क्या होता है सोर्स होता है इनकोडर होता है सिग्नल होता है डीकोड decode होता, होता है डिकोडर होता है डेस्टिनेशन होता है इसे ऑर्गेनिक मॉडल भी बोला जाता है शर्मा मॉडल को ऑर्गेनिक मॉडल ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इसका पर्पज इमीडिएट रिवार्ड एंड डिलेट मतलब इमीडिएट तुरंत आंसर मतलब इस मैथ को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है और ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनकोडर और डिकोडर इसमें इंपॉर्टेंट है देन हम लोग देखते हैं लीगेंस जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है हमारे एक्सटेंशन में लीगेंस मॉडल नाइनटीन में आया था जिसमें सी एम सी टी ए आर कम्युनिकेटर मैसेज चैनल ट्रीटमेंट ऑडियंस रिस्पॉन्स मतलब इतने एलिमेंट हुए कम्युनिकेट कम्युनिकेटर इज द कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट तो कम्युनिकेटर जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट है रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस नेसेसरी है बेस्ट अपलीकेशन टू फील्ड एक्सटेंशन वर्क मतलब फील्ड में एक्सटेंशन वर्क करने के लिए बेस्ट है ये है इंपेसिस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज तो इसमें इंफेसिस किया जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज हम करते हैं देन हाउलैंड प्रेजेंटेशन मॉडल जिसको रिसीवर लिस्टर ओरिएंटेड बोला जाता है देन पॉइंट रोजर्स ऑन सुमेकन मॉडल 1971 में जिसमें रोजर्स और सुमेकन ने 1971 में मॉडल दिया था जिसको क्या बोला जाता है एस एम सी आर सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर इफेक्ट नेक्स्ट जो है द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मॉडल सीटेड टू रीडिंग न्यूज़पेपर तो रीडिंग न्यूज़पेपर के रीडिंग करने के लिए कौन सा बेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल है वो बारकर विस्मैन मॉडल है देन थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन किसने दिया था तो डिप्लेवरन दिया था इन्होंने बुक भी लिखी थी देन ह्यूमन As open system, Garbner, Garbner model ने दिया था रोल टेकिंग थ्योरी ने दियान लैंगी ऑफ कम्युनिकेशन विलियम ने दिया था पैरेंस्यम्युनिकेशन पूछा जाता है इसको हाइडर ने दिया था देन परपज ऑफ कम्युनिकेशन एज कंसुमेट्री एंड इंस्ट्रूमेंटल तो, consummat तो फेस्टेंजर ने इसको बोला था देन मीडियम इज द मैसेज तो मैल -कुल, मेलकुलम ने इसको बोला था देन कम्युनिकेशन आईकू किसने दिया था तो इसको जो दिया था कम्युनिकेशन आईकू फर्स्ट टाइम पर टेस्ट किसने किया था पाउल प्रिस्टल ने 1979 में किया था और एग्रीकल्चर में मतलब इसको कौन इंट्रोड्यूस किया एक्सटेंशन एग्री में नाइनटीन में भांजा ने इसको किया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग भी है तो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम पे पाउल प्रिस्टल नाइनटीन और हमारे एक्सटेंशन में इंट्रोड्यूस किए थे भांजा नाइनटीन देन की कम्युनिकेटर कॉन्सेप्ट गिवन बाई तो लेजर्स फेड ने दिया था लर्निंग थ्रू वेरियस सेंसेस सोन बाई तो वेरियस सेंस से जो हम लोग लर्न करते हैं उसे हास और पैकेट ने नाइनटीन में दिया था तो साइड से हम एट्टी गेन करते हैं हीयर से सेवन परसेंट स्मेल से थ्री पॉइंट फाइव परसेंट टच से वन पॉइंट फाइव परसेंट एंड टेस्ट से वन परसेंट नेक्स्ट दी कम्युनिकेशन दैट अकड थ्रू बॉडी लैंग्वेज तो बॉडी लैंग्वेज से फोर्टी परसेंट कम्युनिकेशन होता है वाइल्ड कम्युनिकेटिंग वर्बली मैसेज डिस्टोर्टेड अपू थर्टी परसेंट मैसेज का डिस्टोर्सन होता है ऑन

जो भी आपके डाउट है सेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा सेशन में एंड करता हूँ थैंक यू फॉर लिसनिंग